हम जितना अपने ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ये हमारे सामने उतने ही आश्चर्यजनक तथ्य लाकर सामने रख देता है। हम जितने सवालों को ढूंढने जाते हैं, उतने ही रहस्य हमारे सामने आ खड़े होते हैं। हम कितने सवालों को सुलझा पाएंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन आज मैं आपको अंतरिक्ष के ऐसे रहस्यों के बारे में बताऊंगा जो आज तक अनसुलझे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज, मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है ये रहस्य। नंबर एक पर है बाओटे वॉइड। किसी भी चीज की मौजूदगी से ज्यादा रहस्यमय होता है किसी भी चीज का मौजूद ना होना। अगर आप चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच जाए जहां कुछ भी ना हो, तो आपको ना सिर्फ यह जगह रहस्यमय लगेगी बल्कि आपके मन में डर का भाव भी पैदा होगा। ऐसी ही एक जगह अंतरिक्ष में मौजूद है जिसे बाओटे वॉइड के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां लगभग कुछ भी मौजूद नहीं है। वैसे तो अंतरिक्ष का ज्यादातर हिस्सा खाली है, लेकिन बाओटे वॉइड खालीपन का एक विशालकाय रूप ले लेता है। बाओटे वॉइड बाओटे कॉन्स्टेलेशन के पास मौजूद एक गोलाकार क्षेत्र है जहां 33 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर तक लगभग कुछ भी मौजूद नहीं है। इस जगह के खालीपन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खगोल शास्त्री क्रेग एंड्रिल ने कहा था कि अगर हमारी आकाशगंगा इस बाओटे वॉइड के बीच में मौजूद होती, तो हमें 1960 से पहले यह पता ही नहीं चल पाता कि ब्रह्मांड में दूसरी आकाशगंगाएं भी मौजूद हैं। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि हम ऐसी जगह मौजूद होते जहां प्रकाश पहुंचने में करोड़ों साल लग जाते। बाओटे वॉइड की खोज रॉबर्ट कृष्णर ने 1981 में की थी। ऐसा नहीं है कि इस जगह पर कुछ भी मौजूद नहीं है। 1981 से अब तक इस विशाल जगह पर 60 आकाशगंगाएं खोजी गई हैं। पर यह संख्या बहुत ही कम है क्योंकि औसतन इतने ही क्षेत्र में ब्रह्मांड में सितारों के साथ साथ 2000 आकाशगंगाएं मिलती हैं। अब इस विशाल खालीपन का क्या कारण है? क्या किसी विशालकाय ब्लैक होल ने यहाँ पर सब कुछ निगल लिया है, या फिर इस हिस्से में कुछ ऐसा धमाका हुआ था कि यहाँ मौजूद सब कुछ बाहर धकेल दिया गया? एक अवधारणा के मुताबिक यह माना जाता है कि यह खाली जगह छोटे छोटे खाली जगहों से मिलकर बना है, ठीक वैसे ही जैसे दो साबुन के बुलबुले मिलकर बड़ा बुलबुला बनाते हैं। पर यह अवधारणा भी यह स्पष्ट नहीं कर पाती कि अंतरिक्ष के सिर्फ इसी हिस्से में ऐसा क्यों है। नंबर दो पर है मिसिंग मैटर। अगर घर में आपका कुछ खो जाता है तो आप घर के कोने कोने में उसे ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर ब्रह्मांड में मौजूद आधा पदार्थ ही गायब हो जाए तो आप उसे कहां ढूंढेंगे? हमारे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, और ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी देख रहे हैं या छू रहे हैं वो सब कुछ बचे हुए 5% से बना हुआ है। लेकिन इस 5% का भी आधा, जिसे हम नॉर्मल मैटर या बायोनिक मैटर कहते हैं, वह भी गायब है। 95% जो कि डार्क मैटर या डार्क एनर्जी से बना है, उन पर पहले से रहस्य बना हुआ है। डार्क मैटर को हम सीधे सीधे नहीं देख सकते क्योंकि यह प्रकाश या किसी पदार्थ से अंतःक्रिया नहीं करता, लेकिन इसका अस्तित्व है और इसके अस्तित्व का पता इसके द्वारा दूसरे पदार्थों पर डाले गए प्रभाव से पता चलता है। ठीक इसी प्रकार डार्क एनर्जी भी रहस्यमय है क्योंकि इसके अस्तित्व का कोई सीधा प्रमाण नहीं है। पर कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के मुताबिक हर चीज जिसमें भार है वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो इस नियम के मुताबिक ब्रह्मांड में मौजूद हर सितारे, हर ग्रह, हर आकाशगंगा में भार है, तो सबको एक दूसरे को अपनी ओर खींचना चाहिए और सबको पास आना चाहिए। इसके उलट सब दूर जा रहे हैं और हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। और वैज्ञानिक इस फैलाव को समझाने के लिए यह परिकल्पना करते हैं कि यह फैलाव एक अदृश्य शक्ति की वजह से हो रहा है जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है, और इसी अदृश्य शक्ति को हम डार्क एनर्जी कहते हैं। अब हम डार्क मैटर या डार्क एनर्जी को नहीं देख सकते, तो ये कहाँ है इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। पर बचा हुआ 5% बायोनिक मैटर जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, उसका आधा हिस्सा कहाँ है यह भी हमें नहीं मालूम। क्या यह पदार्थ ब्लैक होल के मध्य में मौजूद है, या फिर यह पदार्थ समानांतर ब्रह्मांड में चला गया है? खगोल शास्त्रियों का मानना है